बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 3 साल बीत चुके, बावजूद उसकी उनकी मर्डर मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझी। महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले सुशांत सिंह राजपूत आज भी अपने फैंस के दिलों में राज करते हैं। सोशल मीडिया पर आज सुशांत के फैंस को उन्हें याद करते हुए देखा गया। इसी बीच उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी उनके नाम एक पोस्ट शेयर किया। गौरतलब है, सुशांत की मौत के बाद परिवार और फैंस का ऐसा कहना है कि उनकी मौत में रिया चक्रवर्ती का हाथ है। इस केस में रिया चक्रवर्ती कई महीनों तक जेल में भी रही, लेकिन बाद में जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि सुशांत के केस में रिया काफी परेशान नजर आई, बावजूद इसके सुशांत के लिए उनका प्यार कम होता नजर नहीं आया। रिया अक्सर सुशांत के बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी पर उनके नाम खास पैगाम देती नजर आई। इस बार भी रिया चक्रवर्ती ने एक अनदेखा वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में रिया सुशांत को अपनी बाहों में थामे नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए रिया ने हार्ट इमोजी के साथ इन्फिनिटी इमोजी भी लगाई, जिसका मतलब है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। जहां एक और रिया ने सुशांत के लिए अपना प्यार दिखाया, वहीं कुछ लोगों को रिया की ये बात खल गई। सुशांत के कई फैंस ऐसे भी थे जिन्होंने रिया की इस वीडियो पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, क्या ढोंग करती हो तुम। एक और यूजर ने लिखा, ये पोज दिखाकर झूठा प्यार दिखाना चाहती है मिस, प्यार था तुम्हारा क्यों। रिया के इस पोस्ट पे ऐसे सैकड़ों कमेंट्स देखने के लिए मिले। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रिया की फीलिंग्स को सराहा और उसे सपोर्ट किया। गौरतलब है, आज ही के दिन यानी 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई वाले फ्लैट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस समेत कुल 5 एजेंसियों, बिहार पुलिस, एनसीबी, ईडी और सीबीआई ने भी इस केस की जाँच की। इस केस में सीबीआई और ईडी की जाँच अब भी जारी है और एनसीबी का केस कोर्ट में है। 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन केस की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। केस में ना तो कोई कन्विक्ट है और ना ही कोई जेल में।